हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के जो आप लोग के फिजिकल चल रहे हैं एएसआई इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर हेड कॉन्स्टेबल के लिए, तो 14 दिसंबर से आप लोग इसमें फिजिकल चल रहे हैं जो कि आप लोग के 20 जनवरी तक चलने वाले हैं। इसके बाद जो आप लोग के है कॉन्स्टेबल के भी फिजिकल होने वाले हैं जिसके कि आप लोग के एडमिट कार्ड आने वाले हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है आप लोग के फिजिकल से ही रिलेटेड है, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के फिजिकल से ही रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आज आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका कि सेंटर पड़ा था नागपुर, या नागपुर सेंटर तो पड़ा था इनका, लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे सेंटर आप लोग का कोई भी पड़ा हो। यदि आप लोग को फिजिकल देने जाना है तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज जो इन्होंने मीन्स इन्होंने जो अपना फिजिकल दिया था, फिजिकल के लिए इनका जो है एडमिट कार्ड नहीं आया था और एडमिट कार्ड को लेकर के काफ़ी परेशान चल रहे थे कि सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। तो लिस्ट में इनका नाम था तो मैंने इन्हें सजेस्ट किया था कि लिस्ट लेके जाइए। इसके बाद जो है वहाँ क्या हुआ फिजिकल में, ठीक है, पूरी ए टू जेड जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली है कि ये लिस्ट लेके गए, वहाँ फिजिकल हुआ नहीं हुआ, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड कराई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो आप लोगों के लिए। सेंटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को मिलेगी। इसके अलावा यदि आप लोग के एडमिट कार्ड घर पे नहीं आ रहे हैं या फिर एडमिट कार्ड लेट आ रहे हैं तो आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे यदि आप लोग को भी सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का जो है फिजिकल देना है आने वाले समय में। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और क्या इनसे बातचीत हुई है, पूरी रिकॉर्डिंग में आप लोग को सुनवाने वाला हूँ। फ्रंट में फोटो मेरी है लेकिन रिकॉर्डिंग जो है आप लोग को जो मैंने उनसे बात करी है वही आप लोग को सुनाई देगी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग प्रमोद। जी सर मीन्स तुम्हारा फिजिकल हो गया? हाँ सर फिजिकल हो गया। अच्छा तो फिजिकल तुम्हारा कहाँ सेंटर कहाँ पड़ा था? सर नागपुर पड़ा था सर, ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ नागपुर करके। अच्छा ये बताओ तुम्हारा तो कुछ एडमिट कार्ड का इशू था ना, तो एडमिट कार्ड का क्या हुआ? सर वो क्या हुआ कि दिए तो थे बट वो क्या था कि 17 तारीख को आपका यूट्यूब में जो आया था नोटिफिकेशन आते रहता था। हाँ हाँ। तो उसको मैं देखा सर कि लिस्ट वगैरह आया है करके। हाँ हाँ। तो मेरा एक और फ्रेंड है उसने मेरे से एक दो दिन पहले डाला। हाँ। मतलब 18 अगस्त को उसने डाला था, 20 अगस्त को मैंने डाला। अच्छा। तो उसका एक हफ्ते पहले आ गया था बट मेरा ऑफलाइन पहुंच नहीं पाया था घर। अच्छा। तो फिर देखा लिस्ट में, तो लिस्ट में सर मेरा नाम करके और पिताजी का नाम करके देखा ना, तो उसमें लिस्ट में था मेरा नाम। तो फिर मुझे जानकारी मिली कि आप इस लिस्ट को लेकर जाएंगे तब भी आपको फिजिकल करने के लिए दे देंगे, मना नहीं करेंगे सर। हाँ बताया था मैंने। जी सर। तो उसको फिर मैं उसी के सहारे गया था, वहाँ कुछ हुआ नहीं, बस ये था कि वहाँ जाने के बाद ना थोड़े से नंबर जो रोल नंबर रहता है उसमें 4 डिजिट रहता है लास्ट का, उसको उसके अकॉर्डिंग क्या है उसमें अटेंडेंस होता है और उस नंबर को बताना रहता है सर। तो वो नंबर मिल नहीं रहा था तो थोड़े से घबराहट हो गई थी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो फिर हो गया वहाँ का नाम वगैरह सब पता चल गया। फिर जैसे मेरा फिजिकल हुआ ना, फिजिकल होने के फिर दूसरे दिन में घर में एडमिट कार्ड आया। अच्छा जब फिजिकल खत्म हो गया तो तुम्हारा घर पे आया एडमिट कार्ड? जी सर। चलो ये तो मतलब बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मींस जो लिस्ट को लेकर काफी बच्चे परेशान थे कि सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा। तो मैंने सभी से यही कहा कि भाई एडमिट कार्ड नहीं आ रहा तो तुम एक्चुअली अगर लिस्ट में नाम है तो लिस्ट लेके चले जाओ। जी वो हो तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, लिस्ट लेके जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, नाम है तो बस तुम्हारा जो फिजिकल होना है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यदि किसी का बैक डेट है ना, जैसे किसी का मान लो 14 को था या 16 को है ना, तो और मान लो 16 को है पता चल रहा है उनको 18 या अभी 19 को, मतलब आगे जाते में उसको पता चल रहा है कि उसका 16 को है डेट निकलने के बाद, तो वो यदि वो लेके जा रहे हैं ना तब भी उनको फिजिकल करने के लिए दे रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छी जानकारी दी तुम्हें, बहुत अच्छी जानकारी दी। जी सर। और वहाँ पे वही है जो सेम प्रोसेस होता है। और जो सर एक चीज और है कि वहाँ पे 6:30 बजे जो रिपोर्टिंग टाइम है ना, तो उसमें क्या है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ये है कि 6:30 बजे के बाद गेट बंद कर देते हैं ऐसा मतलब सोचते हैं, जबकि वो ऐसा है कि 6:30 बजे स्टार्टिंग है वो खुलने का। अच्छा। उस टाइम खुलेगी और जैसे 7 बजे 8 बजे 8:30 बजे जैसे ट्रेन का लेट हो जाते हैं, बस का और किसी वजह से लेट हो जाते हैं ना, तो कोई कोई बच्चे लेट से पहुंच पाते हैं सर, तो वो 6:30 बजे खुल जाते हैं, फिर वो 6:30 बजे भी पहुंच जाएंगे ना तो उसको आने देते हैं।
हाँ मतलब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यदि आप ट्रेन नहीं। से आ रहे हो हाँ एक आध घंटा हाँ लेट हो सर गए तब भी सेंटर पर जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है। जी सर जी सर नहीं, ये वाली जो तुमने इन्फॉर्मेशन बताई ना, जो चीज मतलब जी कंफ्यूजन थे बहुत बहुत, जो कंफ्यूज था कि भाई लिस्ट को ले जाएंगे तो कोई हम मतलब वहां पे एग्जाम देने देंगे नहीं देंगे, या फिर हम लोग लेट हो गए लेट एडमिट कार्ड आया तो भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जी सर जैसे कि तुम फिजिकल दे के आए उसके बाद तुम्हारा एडमिट कार्ड आया, मीन्स तुम अगर उस एडमिट कार्ड को लेके नेक्स्ट डे भी जाते तो तुम्हारा फिजिकल हो जाता। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, कौन सी पोस्ट का था तुम्हारा? सर, मेरा ASI का था, लैब टेक्नीशियन का। अच्छा, ASI लैब जी टेक्नीशियन का, जी सर नागपुर सेंटर पड़ा था ना? नागपुर, जी सर नागपुर सेंटर पड़ा था। तो कितने बच्चे पहुंचे थे तुम्हारे सेंटर पे? हाँ मेरे में लगभग अप्रोक्सी सर 130 से अबव थे, हाँ 130+ बच्चे थे। उसमें फार्मासिस्ट का था, लैब अटेंडेंट का था, लैब टेक्नीशियन का था, हाँ और कुछ बच्चे कांस्टेबल के भी थे। जी अच्छा, मिले जुले बच्चे थे मतलब वहां पे, सर जी सर कहने का मतलब हेड कांस्टेबल के भी थे और हाँ तुम्हारे हाँ ASI के भी थे। अच्छा जी सर जी सर तो उसमें 40-40 का ग्रुप बनाया था सर दौड़ने के लिए। अच्छा अच्छा 40-40 में बच्चे थे, तो हमारा सबसे पहले ग्रुप बना था 1 से लेकर 40 का ग्रुप। अच्छा तो उसमें क्या सर, पहले गए वहाँ पे, हाँ हाँ तो वहाँ तो वो क्या बोलते हैं, वो चेस्ट नंबर वगैरह देते हैं। हाँ चेस्ट नंबर, जी सर चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग फिर उसको वहाँ पर डॉक्यूमेंट बायोमेट्रिक वगैरह होता है। हाँ। बायोमेट्रिक होने के बाद फिर डॉक्यूमेंट को चेक वगैरह करते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट तो मतलब वहां तो खैर कोई दिक्कत नहीं है नागपुर में? नहीं सर डॉक्यूमेंट का कोई दिक्कत नहीं है, यदि कोई भी वो है ना गलती है या कोई प्रकार का इनकम्प्लीट है ना, हाँ। तो वहाँ पे उसको उसके लिए वो नहीं करते, उनको बताएंगे कुछ प्रॉब्लम तो उन लोग उसको इशू नहीं बनाते, उसको ले लेते हैं। हाँ, ये चीज तो जी मैंने देखी नागपुर में, बढ़िया है बहुत। उसके बाद फिर फिजिकल के लिए तैयार करते हैं। अच्छा, तुम्हारे कितने बच्चे क्लियर करे और हम रनिंग? जी सर उसमें क्या 40 लोग बच्चे में ना 25 लोग रनिंग में निकल गए, 15 लोग रह गए। अरे, 15 लोग 40 में से सिर्फ 15 बच्चे ही रनिंग कर नहीं 25 लोग कर पाए सर, 15 लोग आउट हो गए। पाए? फिर भी बहुत कम, मतलब इतना टाइम मिल रहा है उसके बावजूद भी मतलब ऐसा हो हाँ रहा सर है। वो क्या प्रैक्टिस, मतलब इंसान जनरली ये सोच रहे हैं सर कि 7.5 मिनट का टाइम है, बहुत टाइम है, जब एडमिट कार्ड आएंगे हमारे पास तो हम लोग दौड़ लेंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ये सोचते हैं। हाँ, तब फिजिकल की और तैयारी कर लेंगे, और यहाँ पे हाँ एडमिट कार्ड ऐसा हो रहा है कि एक दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहे हैं। जी सर बिल्कुल। और क्या होता है सर, यहाँ जहाँ प्रैक्टिस करते हैं और जहाँ जिस ग्राउंड पे अपन जाते हैं ना रियली में, तो वहां में दोनों में डिफरेंस होता है, वहाँ प्रेशर अलग रहता है सर, हाँ बिल्कुल क्योंकि भाई, नहीं मतलब एक जगह तुम एटमोसफेयर, बच्चे हैं, टीच मतलब एक तरह से एम्प्लॉई है वहां पे, तो बिल्कुल अलग ही एटमोसफेयर होता है वो तो। जी सर जी सर वहाँ का, क्योंकि अब हम लोग क्या है बहुत जैसे 400 मीटर 600 मीटर का जो रहता है ना ग्राउंड, उसमें अपन दौड़ लगाए थे, वहां पर डायरेक्ट आपको ग्राउंड में ही जो रहता है रोड रहता है जंगल के बीच में से 1600 मीटर का, तो वहां दौड़ना और उसमें दौड़ने में डिफरेंस रहता है ना। हाँ, इसी वजह से बच्चे मतलब और बहुत, और एडमिट कार्ड मतलब ऐसा है ना कि समय से नहीं आया तो बच्चे तो पहले बहुत हाँ ज्यादा सर टेंशन, तो उनको हाँ एडमिट कार्ड को लेके दिए, ये फिजिकल बहुत की तो तैयारी बाद में करते। जी जी इसमें बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम आ रही है ये वाले। हाँ, नहीं ये ऑफलाइन एडमिट कार्ड की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। जी सर जी और लॉन्ग जंप हाई जंप हुआ होगा? अच्छा, फीमेल वगैरह मतलब गर्ल्स वगैरह भी साथ में थी क्या, मतलब खाली मेल कैंडिडेट थे? खाली मेल कैंडिडेट थे सर, फीमेल जो है ना फीमेल लोगों का आज 23 तारीख है, 22 तारीख से उन लोग का स्टार्ट हो गया है, अब 1 हफ्ते तक ना जितने भी फीमेल लोग हैं उन लोग का चलेगा। अच्छा, और ये बताओ बाकी तो डिटेल है ही है कि वहाँ कुछ रिटर्न विटर्न के बारे में कुछ जिक्र हो रहा था, कुछ जानकारी मिल रही थी? रिटर्न के बारे में बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किए सर के रिटर्न का क्या होगा करके, तो बस यही बोल दिए कि फिलहाल अभी फिजिकल का निकाल के निकाल लो, फिर आपको अपडेट दे दिया जाएगा कि कब करके। और बाकी ऐसे कंफर्म डेट तो नहीं बताया सर, इस मंथ में हो आया गया हो सकता है करके। चलो ठीक है, एक्चुअली होता है ना कि कहीं कहीं पे जो कहीं कहीं पे कुछ चीजें पता चल जाती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रिटर्न की पहले तो चलो फिजिकल क्लियर हो गए, ये बहुत अच्छा लगा मुझे भाई सबसे एक बार, और आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू है। आपका जो नोटिफिकेशन यदि नहीं मिलता ना, तो शायद ये सब चीज जानकारी भी नहीं मिलती, और शायद उसके चक्कर में मेरा हो भी नहीं पाता, जा भी नहीं पाता ऐसा, नहीं नहीं मतलब नहीं एकदम नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो तो खैर मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे से जितने जिसने भी बच्चों ने पूछा मैंने तो यही कहा कि भाई अपना लिस्ट लेके जाओ, आप टेंशन की जरूरत नहीं है। जी। जब लिस्ट दे दिए उन्होंने, वैसे तो लिस्ट निकालने में भी लेट करी उन्होंने, 2 14 14 को निकालना था तो 17 को उन्होंने लिस्ट निकाली है। हाँ हाँ सर एकदम करेक्ट बात है सर ये। चलो ठीक है, कुल मिला के तुम्हारा फिजिकल क्लियर हो गया, अब आगे की तैयारी करो अब जो है, ठीक है? जी जी सर हाँ वही सर रिटर्न का वही पूछना था सर, एक्चुअली पूछे बहुत सारे बच्चे ने एक
फिजिकल से पहले क्वेश्चन कर रहे थे सर रिटर्न का क्या है, रिटर्न का कैसे होगा करके, तो वही बोल दिए थे पहले फिजिकल निकाल लो, फिजिकल निकालने के बाद क्लियर कर लो फिजिकल को, अब फिर उसके बाद फिर अब बता दिया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हाँ चलो वो तो अब आगे का प्रोसेस है, पहले फिजिकली कंप्लीट, फेस फिजिकल तो अभी चल ही रहे हैं, फरवरी तक फिजिकल चलने हैं तुम्हारे यहाँ पे। हाँ सर हाँ चलो ठीक है। और क्या बोलते हैं वो तो सब एक एक बार में अच्छा खासा प्रैक्टिस तो था सारा, दो दो चार महीने जैसे वैकेंसी निकली थी ना तो अपन ने लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए कर दिए थे प्रैक्टिस, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लॉन्ग जंप हाई जंप में तो नहीं निकलेंगे इतना ज्यादा, लॉन्ग जंप नहीं नहीं वो मतलब 15 लोग रनिंग निकल गए, 40 बच्चे में हमारे बैच में, और उसमें से फिर कुछ बच्चे तो लॉन्ग जंप में निकल गए थे। अच्छा। और ज्यादातर बच्चे 8 से 10 बच्चे और उसमें से चेस्ट में निकल, हाइट और चेस्ट फुलाने में निकल गए थे। तो तुम्हारे 40 के बैच में कितने बच्चे, मुझे लग रहा है कि 8 या 10 बच्चे बचे। हमारे में लग मुश्किल से 40 में ना 15-17 बच्चे वो पाए, क्वालिफाई कर पाए। रेसो तो बहुत ही खराब चल रहा है ये तो। बता रहा हूँ ना सर आपको कि ना बच्चे एकदम से इजीली ले रहे हैं कि ये हो जाएगा। वहाँ जाने पर मेरा एक फ्रेंड है सर, उसका हाइट चेस्ट सब बढ़िया है, बट क्या हुआ कि सब चीज क्लियर हो गया, सब चीज क्लियर होने के बाद 0.5 सेंटीमीटर से ही चुक गया और रिजेक्ट हो गया सर। वो हाइट में, हाइट में सर, हाइट में तो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल छूट नहीं दे रहे, छूट नहीं दे रहे बिल्कुल। जी सर बिल्कुल स्ट्रिक्ट है सर, यदि 0.5 में भी यदि आप हो रहे ना तो उसको एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, उसको आप सीधा रिजेक्शन के फॉर्म फिलअप करा रहे हैं। नहीं हाइट को लेकर तो मैं सभी से यही कहूंगा कि जिसका हाइट में थोड़ी भी कमी है तो मतलब टाइम बर्बाद ना करे, मतलब अपना जो है। हाँ सर कोई फायदा नहीं है चीज़, क्योंकि अभी तक जितने भी सेंटरों में मेरी बात हुई हाइट में किसी को भी रिलीफ नहीं मिल रहा। जी सर चलो ठीक है। रनिंग वगैरह तो वहाँ पे रोड भी रनिंग हो रही है ना सर? हाँ सर वही ग्राउंड है अंदर में ही, तो वहाँ बच्चे को ग्रुप वाइज लाइन से खड़ा कर दिए जाते हैं, सामने में फिर फोर्स रहता है गाड़ी खड़ा, गाड़ी लेकर के कैमरा लेकर के, और पीछे में दो बुलेट बुलेट रहते हैं, फिर उस गाड़ी के आगे आगे चलते जाते हैं, और वो हर 400-500 मीटर 400 मीटर में पुलिस लोग खड़े रहते हैं। हाँ वो मैं समझ गया। चलो जी जी। अच्छा सेंटर का थोड़ा सा एड्रेस कुछ जानकारी है तुमको, नागपुर के एड्रेस में कई बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं नागपुर के एड्रेस में। कैसे सर क्या एड्रेस क्या है नागपुर का सेंटर का कुछ? सर वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पे आप जैसे जाएंगे चाहे बस से जाएंगे चाहे ट्रेन से ना, तो वहाँ पर ऑटो लगे रहते हैं, उनको आप बोलेंगे कि ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ ग्राउंड नागपुर करके। अच्छा। या इवन सीआरपीएफ ग्राउंड जाना है इतना बोलेंगे ना, है ना, तो वो पहुँचा देंगे, कुछ दिक्कत नहीं होता। क्योंकि बहुत से बच्चे सोच रहे हैं जैसे कि लिस्ट में मतलब नाम नहीं है, जैसे कि वो नहीं है एडमिट कार्ड नहीं है, तो सर एड्रेस क्या है नागपुर का प्रॉपर? वो बोलेंगे सीआरपीएफ ग्राउंड जाना है, उसे आप वहाँ का बहुत बहुत फेमस है सर वो। हाँ मैं समझ गया, वो कोई भी बता देगा मतलब कोई भी। हाँ सर कोई बता दे, कोई भी बता देंगे, क्योंकि वही एक है यहाँ पर वो एग्जाम वगैरह और कोई भी प्रकार का इवेंट्स होते हैं वहाँ होते हैं, और बहुत बड़ा है और काफी वो प्रचलित है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और बहुत ही अच्छी जानकारी दी तुमने, बहुत ही मतलब मदद होगी स्टूडेंट्स की। ठीक है जी सर, जी सर जी सर जी सर धन्यवाद मेरी तरफ से और स्टूडेंट्स की तरफ से। ठीक है रिटर्न की प्रिपरेशन करो सर, बस वही रिटर्न के लिए थोड़ा सा आप जैसे वीडियो वगैरह आप बस करेंगे थोड़ा सा उसके लिए मोटिवेट करिएगा सर। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अभी फिजिकल करा लो बच्चों के पहले। जी 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 सर जी ओके सर ओके। तो रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुन ली है, अभी आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा, और इसी प्रकार से जब तक आप लोग फिजिकल नहीं हो जाते मैं आप लोग को जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और जाने से पहले यही कहूंगा यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सीआरपीएफ के जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस चैनल से जुड़ सके और फिजिकल क्लियर करें, इसके बाद जो रिटर्न की तैयारी करें और रिटर्न भी इसी प्रकार से जो है क्वालिफाई करें। तो आप ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।